नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के गांव प्रतला में संदीप उर्फ गोविंदा नाम के शख्स पर बीती रात 8:15 बजे गोली चलाई गई, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हुआ, जिसके सिर में चोट लगी। आनन फानन में संदीप उर्फ गोविंदा को सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार संदीप उर्फ गोविंदा के पिता का नाम शेर सिंह है। गोविंदा दो भाई हैं। गोविंदा की उम्र 35 वर्ष बताई जाती है, जो कि शादीशुदा है और बाल बच्चे वाला था। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। गोविंदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में रखा गया है। अब ये क्या क्या घटना हुई थी आज आपके? कल शाम को 9 बजे के बाद हमें इत्तला मिली थी कि पिछला गांव में गोली चल करके संदीप सनौ शेर सिंह इंजर्ड होया, जो सर्वोदय हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम ग्राम प्रतला पहुँचे। वहाँ से उसका सारा ओमवीर मिला। ओमवीर ने हालात बताए सारे। वो उससे कुछ ही दूरी पर था, चंद कदमों पर। उसने मौका देखा, मौका देख करके तो उसके बयान पर पर्चा दर्ज किया गया। और अभी तक जो है ये है पर्चा नाम मालूम व्यक्ति के खिलाफ है, क्योंकि जो ये था अपना संदीप, ये बाइक से बरसात के मौसम में बस अड्डे की तरफ से अपने घर के लिए जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जो इसके पीछे युवक बैठा था, इसके भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, उसने पीछे से गोली मार करके इसकी हत्या करने वाले। गोली कहाँ लगी है उसे संदीप को? पीछे की तरफ सिर में लगी है। सर उम्र क्या होगी? उम्र अबाउट 35 वर्ष है। 35? हाँ। अच्छा, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, दो भाई हैं, बाप भी है इनका। कितने बजे की घटना है सर ये? अबाउट जो बयानों में आई है वो 8:15 बजे के दरमियान की है। 8:15 बजे रात तो संदीप जिसको बिठा के ला रहा था सर, वो कोई उसका जानकारी होगा, जानता होगा? हाँ, कोई जानकारी होगी जो पीछे बैठा। नाम नहीं पता सर? अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि बरसात का मौसम था। लेके ना जा, बरसात का मौसम था, उस वजह से जो उसका साड़ा था ओमवीर संदीप का, उस पर उसकी जो अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई, लेकिन नौजवान युवक था। लगभग उम्र कितनी होगी इसकी? 35 साल का है। शुक्रिया सर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।